नमस्कार दोस्तों, दर्द चाहे किसी भी प्रकार का हो आपके जीवन में बहुत से दुष्प्रभाव पैदा करता है। आज का मेरा टॉपिक जबड़े का दर्द, सर का दर्द, गर्दन का दर्द और इस एरिया से रिलेटेड जो है किसी भी प्रकार का दर्द है, ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में लोगों कि जो नॉलेज है वो बहुत कम है, लोग इसको बहुत कम समझ पाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कुछ मरीजों के बारे में। पेशेंट नंबर वन मिडिल एजेड लेडी हैं, लगभग 45 से 50 के बीच में वो हमारे पास आई, और जिस समय वो आई थी, जब वो हमारे चेयर पे बैठ रहे थे, तब भी उनका जो देखने का तरीका था और जैसे वो चल रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि आधी नींद में है और दर्द से उनका हाथ उनके चेहरे पे था। तो दर्द से तो चेहरे पे हाथ था वो तो हम समझ गए, और जो नींद में है इस प्रकार से चल रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। उनके हस्बैंड ने एक बहुत ही मोटी सी फाइल निकाली और हमको ये बताया कि पिछले 6 महीने से इनके सर से लेकर पीछे तक पूरा कंटिन्यू दर्द बना रहता है, और यहाँ से लेकर बड़े बड़े शहरों तक जो है अलग अलग डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, कम से कम 10 से 12 डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, इतनी मोटी फाइल उनके पास थी। और वो दवाइयाँ उनकी कंटिन्यू चलती जा रही हैं जिससे उनको जो है पूरे समय नींद जैसा एहसास रहता है और थोड़ा सा होश में भी कम रहती हैं। उनके बेटे ने बताया कि वो पास के विलेज के, पास के गांव के बहुत बड़े जमींदार हैं और उनकी जो जिनको दर्द है वो आज से 6 महीने पहले तक इकट्ठे 150-200 मजदूरों को हैंडल करती थी, इतनी स्ट्रांग लेडी थी, और आज की डेट में वो अपना नॉर्मल काम भी ठीक से नहीं कर पा रही है। अब मैं आपको बताता हूं दूसरे मरीज के बारे में, पेशेंट नंबर दो। ये लड़के हैं, इनके पापा को इनकी किसी बात पे गुस्सा आया और उनके उनने खींच के एक रैपट दिया, तो जब गाल पे पड़ा तो उसके अगले दिन से उनका जबड़ा जो है जब वो खोलते थे तो टेढ़ा जाने लगा जबड़ा, मतलब एक साइड से ओपनिंग कम हो रही थी, एक साइड से पूरा खुल रहा था। पेशेंट नंबर तीन, उनके ये वाले एरिया में पूरा पेन है, लगभग 23 से 24 साल की उम्र है, यंग एस्पायरिंग बिल्डर है वो, और ये एरिया में पूरा उनका पेन रहता है, खाने में, बैठे बैठे में, सोते में, पूरे समय इस एरिया में उनका पेन रहता है। और चौथे पेशेंट हैं जो कि खुद एक मेडिकल डॉक्टर हैं, जब वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए तो उनने जब मुंह खोला तो मैं एग्जामिन करने लगा, हार्डली 10 सेकंड मुझे एग्जामिन करते हुए होंगे और उनने मुंह बंद कर लिया, बोले मुझे दर्द होता है। फिर उन्होंने बताया कि मैं बहुत देर तक मुंह नहीं खोल सकती हूँ, हार्डली 10-15 सेकंड, 20 सेकंड उसके बाद मेरा जबड़ा दुखने लगता है और सर्वाइकल का भी पेन है, यहां तक का भी पूरा पेन है, और मैं कई सालों से इसकी दवाई ले रही हूँ। तो ये 4 मरीजों को आप याद रखिए, मैं इनका इलाज कैसे क्या हुआ वो आपको बाद में बताऊंगा। देखिए क्या होता है, सबसे पहले इस एरिया के दर्द के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। ये दर्द जो होता है ये अलग अलग प्रकार का होता है, इसमें आपके न्यूरालजियाज होते हैं जो नसों से रिलेटेड दर्द होते हैं, इसमें माइग्रेन का दर्द हो सकता है, इसमें टेंशन टाइप हेडेक्स हो सकते हैं, इसमें कैंसर से लेकर कोई भी अलग अलग पैथोलॉजीज हो सकती हैं अंदर जिसका दर्द आपको इस एरिया में पूरे में हो सकता है, दांतों का दर्द हो सकता है, दांत के किसी एरिया में या कहीं पे इन्फेक्शन हो उससे भी दर्द हो सकता है पूरे एरिया में, या फिर जो लीस्ट नोन सब्जेक्ट है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है वो है TMD या टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, उसके कारण भी ये पूरा एरिया इफेक्टेड आपका हो सकता है, दर्द से इफेक्टेड हो सकता है।
कॉमनली देखने में ये आता है कि इंसान को यहाँ पे दर्द हुआ और वो पहले ईएनटी वाले के पास जाएगा, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास में ईएनटी को दिखा लेगा, ईएनटी बोलेंगे कुछ नहीं है। फिर उसके बाद में वो ईएनटी आपको सजेस्ट करेंगे आप डेंटिस्ट को दिखाइए, तो आप डेंटिस्ट को दिखाएंगे, डेंटिस्ट आपको बताएगा कि दांत में भी कुछ नहीं है। उसके बाद आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि नहीं, न्यूरोलॉजी का भी आपका कुछ नहीं है। ये सारी चीजें जब आपकी चली जाएं और इस पे आपका कुछ भी ना निकले, तो ऐसे केसेस में यूजुअली ये होता है कि आप किसी डेंटिस्ट को जाके दिखाएं जिसको टीएमडी का नॉलेज हो, मतलब इस जॉइंट का टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर्स का नॉलेज हो, उसको जाके दिखाएंगे तो वो आपको सटीक सलाह देगा कि आपकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम जो है वो जॉइंट से और इन मांसपेशियों से रिलेटेड है और वो इसका आपको एग्जैक्ट ट्रीटमेंट बताएगा। ठीक है, अब आपको मान के चलिए कि आपने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया और माइग्रेन वगैरह का या टेंशन टाइप हेडेक्स का या न्यूरेल्जिया वगैरह का कोई भी आपको इशू नहीं है, तो इसके बाद में जो अपने पास में बचता है वो है टीएमडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके कारण भी आप बहुत ध्यान से सुने। जो इस एरिया में जो पेन वगैरह होता है टीएमडी के कारण, उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण है स्ट्रेस। टेंशन किसी भी प्रकार का बॉडी में पेन वगैरह क्रिएट करने की क्षमता रखता है और इसका पहला कारण जो है वो स्ट्रेस होता है। दूसरा जो कारण है वो डायरेक्ट हिट होना है या चोट लगना है, किसी भी प्रकार से आपको चोट लगे उसके कारण भी आपको टीएमडी या टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर या टीएमजे का पेन या मस्कुलर पेन डेवलप हो सकता है। तीसरा जो कारण है वो है चाप में गड़बड़ी। चाप में गड़बड़ी आपकी आढ़े तिरछे दांतों के कारण भी हो सकती है, जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं उनके कारण भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हर एक के दांत टेढ़े मेढ़े हों और उसको ये टीएमजे की प्रॉब्लम या टीएमडी डेवलप हो ही जाए। ये कोई कोई लोग होते हैं जिसमें चाप की गड़बड़ी के कारण, आड़े तिरछे दांत होने के कारण इस तरह की प्रॉब्लम्स डेवलप होती है। चौथा कारण है इसका दांतों को निकलवा लेना या किसी कारण से वो अपने आप निकल गए हैं और फिर उनको रिप्लेस न करवाना या फिर दांतों को सड़ने देना ताकि वो बिल्कुल जड़ तक सड़ जाएं और उस जगह पे आप ना कोई इलाज कराएं ना ही उसको किसी चीज से रिप्लेस करवाएं। ऐसे केसेस में जब आप चबाते हैं तो चबाने के लिए जब दांत नहीं होता या फिर बिल्कुल सड़ के छोटा हो चुका होता है, तो उस एरिया से आपके सिग्नल्स जो हैं वो जो ब्रेन में जाते हैं वो सही तरीके से नहीं जाते हैं और आपकी चाप में जो है ऑल्टरेशंस आने के चांसेस होते हैं, मतलब चाप में थोड़े थोड़े बदलाव हो जाते हैं इसके कारण। जरूरी नहीं कि हो ही हो, कुछ केसेस में नहीं होते हैं और कुछ केसेस में बदलाव आ जाते हैं। यदि चाप में बदलाव आए इस कारण से तो आपको दर्द शुरू हो सकता है। पांचवा कारण है कंटिन्यू सुपारी या च्युइंगम चबाते रहना। जब आप एक्सेसिवली बहुत ज्यादा च्युइंगम या सुपारी वगैरह चबाते हैं तो आपकी मसल्स ओवरलोड होती हैं, उनसे आप बहुत ज्यादा कसरत करवाते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो मसल्स हैं वो थक जाती हैं और जाम हो जाती हैं और फिर आपको जबड़े का या सर का इस प्रकार का दर्द जो है वो शुरू हो जाता है जो कि टीएमडी के अंतर्गत आता है। छठवां कारण है और ये एक बहुत कॉमन कारण है, जब आप अक्कल दाढ़ निकलवा रहे हों और बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रेशर यूज किया जाए। आजकल क्या होता है कि दांत निकलवाने का जो तरीका है उसमें बहुत ज्यादा जोर नहीं देते, बहुत धीरे धीरे, थोड़ा समय ज्यादा लगता है परंतु धीरे धीरे करके दांत को स्लोली स्लोली निकाला जाता है। जब जल्दी में निकालने की दांत को कोशिश की जाए और बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रेशर यूज किया जाए दांत को, तो ये प्रेशर डायरेक्टली ट्रांसमिट होता है आपके जॉइंट में और इसके बाद जो है वो टीएमजे का पेन और टीएमडी वगैरह जो है इस एरिया में पेन वगैरह ये सब डेवलप होने लगता है। सातवां और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, जब भी आप फिलिंग या कोई नया कैप या नया ब्रिज लगवाते हैं
और उसमें चाप के जो एडजस्टमेंट्स हैं वो प्रॉपर नहीं किए जाते हैं, तो इसके कारण भी आपकी जो चाप है उसमें बदलाव आ जाते हैं। और चाप में जब बदलाव आते हैं तो मांसपेशियां जो हैं वो उसके कारण उस पे मांसपेशियों पे असर पड़ता है और उनमें दर्द वगैरह शुरू होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। और यदि आप ये देखें कि यदि नई फिलिंग, नए कैप या नए ब्रिज के बाद में आपको एकदम दर्द शुरू हुआ है जबड़े का या इस एरिया का पूरा, तो ये उसी चीज से रिलेटेड हो सकता है। आइए अब इनके इलाज के बारे में जान लें। देखिए, बहुत सारी जो ये समस्याएं रहती हैं जब शुरू होती हैं तो लगभग 40% समस्याएं तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। आप नॉर्मल पेन किलर लेंगे तो उससे ही खत्म हो जाती हैं। पेन किलर से यदि काम ना बने तो पेन किलर के साथ आप मसल रिलैक्सेंट्स ऐड कर सकते हैं। जब इससे भी काम ना बने तो उसके बाद फिर पेन किलर मसल रिलैक्सेंट्स के साथ में लेजर थेरेपी दी जाती है। इस एरिया में जहां पे भी आपको पेन वगैरह है, लेजर थेरेपी के कुछ सेशंस होते हैं जिससे आपका पेन जाने की काफी अच्छी संभावनाएं रहती हैं। यदि इन सब चीजों को करने के बावजूद भी आपको पेन बना हुआ है इस एरिया में, मुंह खोलने में, चबाने में, किसी भी प्रकार से भी जिसका और कोई कारण मुंह में मौजूद ना हो, तो ऐसे केसेस में फिर डी प्रोग्रामर थेरेपी दी जाती है। डी प्रोग्रामर एक टाइप की प्लेट रहती है जिसको ऊपर या नीचे के जबड़े में एक टीएमजे स्पेशलिस्ट आपको बना के देता है और उसमें रेगुलरली आपको कुछ कुछ समय में एडजस्टमेंट्स करवाने पड़ते हैं। उसका काम ये रहता है कि आपकी मांसपेशियों को वो रिलैक्स करे, आपके जॉइंट को वो अनलोड करे, रिलैक्स करे, ताकि आपका ये सब जो दिक्कतें हैं, जो ओवर यूज हुआ है, चोट लगी है, किसी भी कारण से जो आपको दर्द है उसमें आपको आराम मिले। मैक्सिमम केसेस में इतने से आराम मिल जाता है। यदि इसके बाद भी आपको आराम नहीं लगता है डीप्रोग्रामर थेरेपी के बाद भी, तो फिर इसके बाद जो है वो छोटे सर्जिकल ऑप्शंस या मेजर सर्जिकल ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि आर्थ्रोसेंटेसिस वगैरह बाहर से कर सकते हैं या फिर मेजर सर्जरीज भी होती हैं जबड़े की। तो ये जो है ये आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आता है। अब मैं आपको बताता हूं जिन मरीजों के बारे में मैंने आपको बताया। जो पहली पेशेंट थी, जो बहुत डायनेमिक लेडी थी, लेकिन 6 महीने से उनका वो पूरी सुन्न रह रही थी और नींद में रहती थी, उनके जब मैंने पर्चे देखे तो न्यूरोलॉजी की उनकी बहुत सारी दवाइयां चल रही थी और जिसके कारण जो है वो थोड़ा सा ड्राउजी या जैसे सोते रहने वाली फीलिंग रहती है पूरे समय, उस टाइप की फीलिंग में थी वो। दांत का दर्द तो उनका था ही था। लगभग 6 महीने पहले ही उनका डेंटल का काम कहीं से हुआ था और ब्रिज वगैरह लगा था उनका। जैसे ही वो ब्रिज वगैरह रिमूव हुआ है और उनको मसल रिलैक्सेंट्स वगैरह दी गई हैं, उनका टोटल पेन जो है वो एकदम खत्म हो गया। सारी दवाइयां कुछ नहीं चलती उनकी, अभी वो बिल्कुल आराम से हैं, फिट हैं, वापस अपने काम पे लग गई हैं और खाना वाना सब प्रॉपरली खा पा रही हैं। दूसरा मरीज जिसके पापा ने उसको थप्पड़ मारा था, वो मरीज को मसल रिलैक्सेंट और लेजर थेरेपी दिया गया 3 सेशंस और उसका भी जो जबड़ा है वो बिल्कुल सही है अभी। हाँ, बीच में उसका एक बार एक्सरे भी करा के देख लिया था ताकि कहीं ज्यादा जोर की ना लगी हो, हड्डी में कहीं चोट ना आई हो, लेकिन हड्डी वगैरह में कहीं चोट नहीं थी। तीसरा जो मरीज है जो कि एस्पायरिंग बिल्डर है, उसको डी प्रोग्रामर थेरेपी दी गई और बीच बीच में जो है थोड़ा डिसकंटिन्यू भी हुआ ट्रीटमेंट, लेकिन अभी बिल्कुल पेन फ्री है वो। अभी भी डी प्रोग्रामर थेरेपी चल रही है और मोस्ट प्रोबेबली उनको डी प्रोग्रामर कंटिन्यू आगे पहनना ही पड़ेगा क्योंकि उनके जॉज में जो है वो डिसबैलेंस है, मतलब चाप जो है वो गड़बड़ है। और उनकी एक और हिस्ट्री भी है कि उनने अक्कल दाढ़ जब निकलवाई थी तो बहुत ज्यादा प्रेशर यूज हुआ था, तो इस कारण से उनका पेन शुरू हुआ था परंतु चाप में भी गड़बड़ी थी, तो इसलिए शायद उनको ये लाइफ लॉन्ग अब पहनना पड़ सकता है डी प्रोग्रामर। चौथे जो मरीज हैं जो कि डॉक्टर हैं खुद,
वो उनको भी हमने डी प्रोग्रामर थेरेपी दी। जब वो 1 महीना कंटिन्यू डी प्रोग्रामर उन्होंने लगाया, उसके बाद जब वो आए हैं तो उन्होंने प्रॉपरली हमसे रूट केनाल वगैरह सब कराए हैं। रूट केनाल लंबा प्रोसीजर होता है, 1.5 घंटा 1 घंटा मुंह खोल के रखना पड़ता है। तो प्रॉपरली पूरा ट्रीटमेंट करा पाए, और वो इतना चकित थे कि इतने सालों से पेन किलर्स ले रहे थे इस पूरे एरिया के लिए, और वो इतने रिलैक्स्ड हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि जब आपको दर्द होता है तो आप अगर सही जगह पे सही ओपिनियन लेते हैं तो इस दर्द से आप छुटकारा पा सकते हैं। यदि आप कोई भी सवाल हमसे करना चाहें तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे साथ में वीडियो कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। ये वीडियो कंसल्टेशन पेड होता है, और आप कमेंट में यदि हमको लिखेंगे तो हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप पे करके हमसे वीडियो कंसल्टेशन ले सकें। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।